मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूँगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है, उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, मैं बताता हूँ, ओके प्लीज, ये गलती आपकी है यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा मेरे सारे इल्जाम। प्लीज प्लीज, गलती आपकी है, हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमें आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने का कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहां सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, मान्यवर एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर से चर्चा, मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, मान्यवर मैं डे वन से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे, किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं मान्यवर? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो, 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा, आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ है ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो ना जी। मैं संवेदनशील आदमी हूँ मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा, इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है मान्यवर, हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूँ कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा, इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, छः साल से, करीब करीब साढ़े छः साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ,
मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला, मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहाँ फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आज़ाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया, अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे, कहाँ बसेंगे तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा उसी वक्त मान्यवर, हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहाँ जनसंख्यिकी बहुत निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं, तो एक जनसंख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग लगभग जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वाटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वाटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर ये जो वहाँ पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहाँ पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई, 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहाँ से 40 किलोमीटर से आ जाए उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाड़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाह जब फैलती है तब फैलती है, अविश्वास का वातावरण।
और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया, जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया, अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दीजिए। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है, और स्वाभाविक है एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ, और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए, ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है, और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है, इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी, और इसके विरोध में एक जुलूस निकला, जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई, और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब दो सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ, इतनी ही शांति से बताऊँगा, कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं, मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे, और नागा कुकी संघर्ष हुआ, नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंडी, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने, आपको मालूम है जवाब किसने दिया मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया, MOS राजेश पायलट, और ये मुझे नहीं बोलने देते मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था, ट्राइबल मिनिस्टर गया ना जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए ना जी, होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, MOS गए ना जी, और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, अरे भाई आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास मैं पूरा बताता हूँ, उनके साथ मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में, और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे, मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृहमंत्री ने ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्लीय हिंसा है, मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं, 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए,
और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे वन से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए, मुझे बोलने नहीं देते हैं, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा, मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया, अरे भाई मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं, हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है, सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो, बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से, ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं, वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी एसआईटियां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदंबरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने, और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था, 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया, हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को, मैं यही कह रहा हूं समझ न हो तो नहीं आएगी भी, सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे, ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी सुरक्षा सलाहकार ये सबको हमने बदला है। मान्यवर बैठ जाओ यार, कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेड लगाए जाते थे।